नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 20th है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस एंड सोशल बिहेवियर ऑफ क्रस्टेशिया। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ bit.ly/ZOOLOGY। उसके बाद R बड़ा कर देना है और ईजी छोटा कर देना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अवेलेबल है और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। फ्रेंड्स, इसके द्वारा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और हम इस लेसन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि जो भी पॉइंट यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है मेटामॉर्फोसिस से, ओके, और सोशल बिहेवियर से संबंधित। ओके So, let's get started. So friend, myself Dhiraj Sharma, and I am teaching since May 2017, and this is Geology optional course. I think everybody knows about this, okay? So, let's start this lesson. Friends, पहला तो ये है कि metamorphosis होता क्या है? Metamorphosis के definition पे ना जाएं, ओके अगर डेफिनेशन पे जाना है तो आप शुरुआत के दो तीन लेशन देख सकते हैं, वहां पे मेटामॉर्फोसिस हमने डिस्कस कर लिया है। ओके अब इंसेक्ट्स की जो लाइफ है, यानी कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्रस्टेशिया, ठीक है। क्रस्टेशिया किसके अंदर आता है, कौन से फाइलम के अंदर आता है, जरा कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए। अगर ये किसी को नहीं पता है तो मतलब क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, और यू कैन से इंसेक्ट लाइफ साइकिल इन जनरली कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेजेस ऑफ लावा एंड प्यूपा। ओके इनका डेवलपमेंट होता है, ये मेटामॉर्फोसिस है किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। ओके एंड अडल्ट्स आर जनरली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लावल फॉर्म। लावल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके जो सब पार्ट्स हैं वो हम धीरे धीरे एक एक लेसन में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स के अंदर, सो उन पे नहीं जाना है। फ्रेंड्स, व्हेन द लावा अंडरगो कंसिडरेबल चेंज टू बिकेम अडल्ट्स, इट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ओके तो ये आप चीज इसके अंदर लिख सकते हैं, किसमें, अगर मेटामॉर्फोसिस आपसे पूछा जाए तो। ओके व्हेन द लावा अंडरगो कंसिडरेबल चेंज टू बिकेम द अडल्ट, इट इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। फ्रेंड्स, जो इंसेक्ट्स हैं वो वेरियस टाइप के जो मेटामॉर्फोसिस हैं वो क्या बोलते हैं ना, वेरी करता है, और बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स हैं। ओके देर आर वेरियस टाइप्स। सो पहला है प्लियोमेटाबोला। ओके अब प्लियोमेटाबोला को हम एक नाम से और जान सकते हैं, क्या, ए मेटाबोला, ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए चाहे तो, AMETA, ठीक है, BOLA। अब ए मेटाबोला, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, एनामोर्फोसिस, एनामोरोसिस बोल सकते हैं, मोर्फोसिस नहीं, एनामोरोसिस, ठीक है, लिख लीजिए, एना MOROSIS। ओके इज इट क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है प्लियोमेटाबोला, इसको हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टाइप है मेटामॉर्फोसिस का, ये कौन कौन से ऑर्डर के अंदर होता है, क्या कोई आइडिया है इसका? ये होता है प्रोट्यूरा के अंदर, ओके, डिप्लूरा के अंदर, कॉलिम्बोला के अंदर, और थाइसेन्यूरा, ओके थाइसेन्यूरा के अंदर होता है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर और क्या चीजें होती है, सच एज जो इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स, सच एज टेल्सन टेल्स, है ना, और कैम्फोडाइट्स, स्प्रिंग टेल्स, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्वर फिश। ओके अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, द निम्फ अपॉन हैचिंग फ्रॉम द एग इज सिमिलर टू द अडल्ट इन जनरल मॉर्फोलॉजी, बट there are only 8 abdominal appendages and cerci are lesser in number. इसके पीछे क्या कारण होता है वो हमने, जो हमने
पांच क्लासेस लगाई हैं क्रस्टेशिया की, ठीक है, उसके अंदर पूरा डिस्कस हुआ है। अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, जो साइज है इसका वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको मेंशन करने होंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे यूपीएससी के में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप कुछ भी ना लिखें, ओके, क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि क्वालिटी मैटर की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल आप उसके अंदर डालेंगे वो मैटर बहुत ज़्यादा करती है, और अगर आप क्वांटिटी वहाँ पे देखे आएंगे उसका कोई औचित्य कोई तात्पर्य नहीं बनता है, ओके। सो फ्रेंड, एज द निम्फ ग्रोज एंड मोल्ड इट्स सेगमेंट्स, ठीक है, एज द निम्फ ग्रोज एंड मोल्ड्स इट्स सेगमेंट इन एबडोमिन इंक्रीज ग्रेजुअली टू बिकेम द इलेवन इन अडल्ट, ओके, एंड दीज निम्फ्स लाइव इन द सेम एनवायरमेंट एज द अडल्ट एंड फीड ऑन द सेम डाइट एज द अडल्ट, ठीक है। मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी क्या, व्हेन द लार्वा अंडरगो कंसिडरेबल चेंजेस टू बिकेम अडल्ट इट इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और ये प्लियोमेटा बोला उसका ही एक पार्ट है। सो लास्ट पॉइंट क्या है, द इंसेक्ट्स आर विंगलेस बोथ इन लार्वल एज वेल एज द अडल्ट स्टेज, ओके। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मेटामॉर्फोसिस को कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, एनामॉर्फोसिस बोलते हैं वो, ठीक है, एनामॉर्फोसिस। यहाँ पे चाहे तो आप पी लगा लीजिए, ठीक है, एनामॉर्फोसिस। और एनामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है, देर इज ए लिटिल चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्या, अडल्ट, कहाँ से, लार्वल स्टेज से, ओके। सो प्लियोमेटा बोला, एमेटा बोला और एनामॉर्फोसिस, क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर, हैमी मेटाबोला, ठीक है, क्या आता है, हैमी मेटाबोला। फ्रेंड्स इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो आता है हेट्रो मेटाबोला, ठीक है, HETRO, ठीक है, हेट्रो मेटाबोला। उसके अलावा नियो मेटाबोला, ठीक है, कौन सा, नियो, एक हो गया हेट्रो और एक हो गया नियो, ठीक है। अब अगर मैं हेट्रो को भी डिवाइड करूं आगे के दो पार्ट्स में तो इनका भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। हेट्रो मेटाबोला को आप किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्की मेटाबोला, ठीक है, ARCHI, ठीक है, आर्की मेटाबोला, और दूसरा प्लोरा मेटाबोला, PAURO, ओके, आर्की मेटाबोला और प्लोरा मेटाबोला। फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हेट्रो मेटाबोला, दीज इंसेक्ट्स डू नॉट शो एनी डोरमेंट स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड निम्स आर एक्टिव थ्रू आउट देयर ग्रोथ स्टेज, ठीक है। और इसके अंदर एक और पॉइंट होता है, जो विंग्स हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होती हैं, ओके, विंग्स डेवलप एक्सटर्नली, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अब क्या होता है, नियो मेटाबोला। सो नियो मेटाबोला में आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ मेटामोफोसिस इज फाउंड इन द कॉकिड्स, ठीक है, कॉकिड्स और थाइसेनोप्टेरा, ठीक है, थाइसेनोप्टेरा एंड निम्फ्स लाइव इन द सेम एनवायरमेंट एज द अडल्ट एंड फीड ऑन द सेम काइंड ऑफ फूड। किसके अंदर होता है ये होता है नियो मेटाबोला के अंदर, बट दे हैव ए डोरमेंट और रेस्टिंग स्टेज आफ्टर द लार्वल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, ओके, एंड दिस डोरमेंट स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपल स्टेज ऑफ द होलो मेटाबोलस इंसेक्ट, ओके, दिस डोरमेंट स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द
प्यूपल स्टेज ऑफ होलो मेटाबोलस इंसेक्ट. ओके, एज द देर इज नो कवरिंग और यू कैन से ककून और यू कैन से प्यूपल केस आउटसाइड द रेस्टिंग लार्वा. ओके, एंड ओविंग दिस यूनिक डेवलपमेंट थ्रिप्स आर असाइंड ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नियो मेटाबोला. ठीक है, हैमी मेटाबोला हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, हेट्रो मेटाबोला डिस्कस किया है और नियो मेटाबोला डिस्कस किया है. फ्रेंड्स, अब जो हेट्रो मेटाबोला है इसके भी मैंने दो पार्ट आपको बताए. ओके, अब दो पार्ट में से ये जो फर्स्ट वाला है आकी मेटाबोला, इसमें आप सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख लीजिए ओडोनाटा. ठीक है, कौन कौन से ओडोनाटा, ओ डी ओ एन ए टी ए. ठीक है, ओ डी ओ एन ए टी ए. ओडोनाटा को अगर आप समझें तो आप कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई. ओके, उसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं प्लिकोप्टेरा. ठीक है, पी एल ई सी ओ पी टी ई आर ए. ओके, प्लिकोप्टेरा. सो इसे आप कह सकते हैं स्टोन फ्लाई. ठीक है, ये हो गया आपका आर्की मेटाबोला. इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं. एग्जाम्पल देने से एग्जामिनर के माइंड में क्या आएगा कि भाई हाँ, इसके बारे में आपको पता है. और ठीक है, अगर वो डिटेल में पूछते हैं इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं एक दो लाइन. क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दोज इंसेक्ट्स हुज लावा आर एक्वेटिक वाइल अडल्ट आर ए फ्लाइंग टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट शो डिफरेंसेस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ देयर निम्फल स्टेज. ओके, ओविंग देयर एक्वेटिक हैबिटेट, दैट्स कॉल्ड द आर्की मेटाबोला. ठीक है, या फिर इसका एक छोटा सा शब्द आप लिख सकते हैं NAIADS. ठीक है, NAIADS, दैट्स कॉल्ड द सच नेम्स एज इज कॉल्ड द NAIADS. ओके, इसके अलावा जो सेकंड है प्योरो मेटाबोला. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. इसमें आप क्या लिखेंगे, डिक्टोप्टेरा. ठीक है, डिक्टोप्टेरा के अंदर क्या कुछ एग्जांपल आएंगे, कॉकरोचेज आ जाएंगे, है ना, और ऑर्थोप्टेरा के अंदर ग्रास होपर आ जाएगा. सो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्टली आप लिखेंगे ऑर्थोप्टेरा. ओके, ऑर्थोप्टेरा में ग्रास होपर या फिर एक दो एग्जांपल और लिख सकते हैं, जस्ट लाइक लकस्ट. ठीक है, लकस्ट. और डिक्टोप्टेरा के अंदर क्या लिखेंगे, डी आई सी टी वाई ओ पी टी ई आर ए. डिक्टोप्टेरा के अंदर क्या लिखेंगे, कॉकरोचेज एंड मेंटेड्स. ठीक है, हेमिप्टेरा में आप बग्स लिख देंगे और इसके अलावा आप लाइस का भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं. ओके, अब अगर थोड़ा सा पूछ लिया कि भाई प्योरोमेटाबोला होता क्या है, है ना, मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि जो एक बोलते हैं ना साक्षात्कार जो होता है वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या फिर बहुत सारे उसमें टेस्ट आ जाते हैं. ओके, आदमी का पूरा जो निचोड़ है वो निकाल लेती है यूपीएससी, और काफ़ी हद तक जो एक परफेक्ट पर्सन है वही लास्ट स्टेज तक पहुंच पाता है. ओके, अब वहां पे अगर पूछ लिया कि प्योरा मेटाबोला होता क्या है, फ्रेंड्स आप वहां पे क्या बताएंगे, द इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड निम्फ एंड लाइव इन द सेम हैबिटेट एज द अडल्ट एंड ईट सिमिलर फूड, दैट्स कॉल्ड द प्योरा मेटाबोला. फिर आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोप्टेरा, डिक्टोप्टेरा, हेमिप्टेरा और लाइस, तो एक अलग से एग्जाम्पल हो ही गया. ऑर्थोप्टेरा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, डिक्टोप्टेरा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं क्या हैमी मेटाबोला. ठीक है, उसके सब पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, है ना, वो सभी के सभी क्लियर हो गए. तो चलिए अब हैमी मेटाबोला के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. फ्रेंड्स, देर आर 15 ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स which demonstrate this kind of metamorphosis in which juveniles are similar to the adults
एंड देर इज ए ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम द नेम्स टू अडल्ट्स. ओके एंड फ्रेंड्स, द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ग्रोथ ऑफ विंग एज एक्सटर्नल बर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. ओके एंड निम्फ्स जनरली लाइव इन द सेम एनवायरमेंट एज द अडल्ट्स. ओके अब इसके एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किए कहाँ पे, पैरामेटाबोला के अंदर, आर्की मेटाबोला के अंदर, ठीक है, वही एग्जाम्पल आप कंपाइल करके लिख सकते हैं. जरा बता देता हूँ, ग्रास ओपर हो गया, लोकस्ट हो गया, कॉकरोच हो गया, ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, लाइस, एयर विंग, ओके एंड बग्स एंड थ्रिप्स एंड सो ऑन. ओके बहुत सारे हैं. सो फ्रेंड, हैमी मेटाबोला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हेट्रो और नियो. उसके बाद हेट्रो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्की और प्योरा, ठीक है, और पूरा का पूरा हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया क्या क्या, प्लियो मेटाबोला और हैमी मेटाबोला, ठीक है. अगर इनके अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दीजिए. कहीं भी कोई छोटी सी भी अगर दिक्कत है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके बहुत सारे जो माध्यम हैं, मीडियम्स हैं, वो अवेलेबल हैं मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए. ओके सो वेबसाइट है examsexclusive.com, ठीक है, इज इट क्लियर फ्रेंड्स. इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या है, होलो मेटाबोला. चलिए उसको डिस्कस करते हैं. ये रहा आपका होलो मेटाबोला. ओके फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ मेटामोफोसिस इज फाउंड इन द लेपिडोप्टेरा, हेमनोप्टेरा, ओके कलियोप्टेरा, साइफनोप्टेरा, डेपिटेरा और ट्राइकोप्टेरा लिख सकते हैं. ओके इनको आप जनरली क्या नाम देंगे, इनको आप नाम दे सकते हैं एंडोपेट्रिगोट्स, ठीक है, एंडोपेट्रिगोट्स लिख लीजिए, एंडो पी टी ई आर वाई जी ओ टी ई एस, ठीक है. इसके अंदर क्या क्या बता दिए मैंने, कोलियोप्टेरा, लैपिडोप्टेरा, हाइमनोप्टेरा, सिफनोप्टेरा, डिप्टेरा, ओके, या फिर एक और लिख सकते हैं ट्राइकोप्टेरा. ओके सो ये तो हो गया ये. ओके सो फ्रेंड, लावा एंड अडल्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन जनरल फीचर्स एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड लिव इन द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट. ये समझ में आया होलो मेटाबोला होता क्या है, ठीक है. ये जो शुरुआत के जो शब्द होते हैं ना, होलो, होमो एंड सो मेनी थिंग्स, ओके ये डिफाइन कर देते हैं कि ये है क्या चीज. ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लावा आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए डोमेंट स्टेज, दैट्स कॉल्ड द प्यूपा. ये सभी को मालूम है ना, शायद 9वीं 10वीं से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं छोटी छोटी. एंड विच इज समटाइम एनक्लोज इन साइड ए कोकोन मेड ऑफ सिलिकन थ्रेड्स. एंड फ्रेंड्स, द डेवलपमेंट ऑफ द अडल्ट टेक्स प्लेस इन साइड द प्यूपल केस एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. ओके एंड द अडल्ट इज ए फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इमर्जेस आफ्टर रप्चरिंग द प्यूपल केस. ओके एंड फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन सिल्क वॉर्म, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड बीटल्स. ये मैंने शुरुआत में बता दिया कि ये जो मेटामोफोसिस है ये किसके अंदर होता है, लैपिडोप्टेरा, हैमनोप्टेरा, क्लियोप्टेरा, या फिर एक छोटा सा शब्द आप लिख सकते हैं उसके बजाय एंडोपेट्रिगोट्स. ओके सो फ्रेंड, क्या क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, होलो मेटाबोला क्लियर हो गया है ना, उसके अलावा नियो मेटाबोला क्लियर हो गया जो कि किसका पार्ट था, हेट्रो मेटाबोला का, ठीक है. हेट्रो मेटाबोला के दो पार्ट थे, आर्की मेटाबोला और प्योरा मेटाबोला, और ये दोनों पार्ट हेट्रो मेटाबोला और नियो मेटाबोला किसके पार्ट थे, हैमी मेटाबोला के. उसके अलावा एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था, क्या, एमिटाबोला, ठीक है, एमिटाबोला या फिर एनामोफोसिस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, प्लियो मेटाबोला, ठीक है. सो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे सोशल बिहेवियर, ठीक है, इंसेक्ट्स का. क्या कभी सोचा है कि जो चीटियां हैं या फिर जो मकोड़े हैं
वो एक लाइन में क्यों चलते हैं और आप उनको टच करते हैं तो वो बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं और उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। क्या कारण है उसका, कभी नहीं सोचा होगा, है ना। तो चलिए उस चीज को सोचिए। और उसके अलावा जो यूपीएससी के लिए जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली बताऊंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने दूंगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं सोशल बिहेवियर। फ्रेंड्स, सोशल बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे पहले आइसोप्टेरा का, ठीक है। और आइसोप्टेरा के अंदर आता है टर्माइट्स, ठीक है। ये शायद सभी को क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज बताइए, क्या सिर्फ जो इंसान है वो ही एक कॉलोनी के अंदर रहता है, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी जीव और जानवर, जीव एंड जंतु, ठीक है हिंदी में बोले तो, वो भी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, वो भी हमारी तरह ही रहते हैं, ठीक है। और ये है एक सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बिहेव करते हैं ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सोशल इंसेक्ट्स आर दोज विच लिव इन कॉलोनीज एंड देयर मेंबर शो सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू विच द मेंबर ऑफ कॉलोनी आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी दे परफॉर्म इन द कॉलोनी। देखिए आपने हनी बी का सुना होगा, है ना। हनी बी का हम यहाँ पे इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, ओके। और ये यूपीएससी थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछ सकती है। भाई उसमें रानी होती है, उसके मंत्री होते हैं और वर्कर होते हैं, ठीक है। अब जो आपको बाइट करते हैं, अगर आप कुछ छेड़खानी करेंगे तो कौन से काटते हैं, शायद ड्रोन्स काटते हैं, यानी कि उसके जो मंत्री हैं वो काटते हैं, है ना। लेकिन जो वर्कर हैं वो नेक्टर इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आप जैसे अगर किसी पानी की टंकी पे या फिर पानी का कोई भी स्थान है जहाँ पे ओपन वाटर होता है, वहाँ पे आपको मधुमक्खियाँ मिलेंगी, ठीक है। और वो ड्रोन्स नहीं होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। ये सभी को शायद क्लियर है, और वो इसीलिए बाइट नहीं करते। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, अगर आप किसी को जानबूझ के परेशान करेंगे तो भाई वो तो डेफिनेटली आपको बाइट करेगा ही करेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए किसी इंसान के ऊपर ही, ओके। अगर वो बड़ा शांत है, बड़ा भोला भाला है, अगर आप उसका गलत फायदा उठाते, यानी कि उसके साथ उसको इतना क्या बोलते हैं ना, टॉर्चर करते हैं कि उसकी जो ज्वाला है वो भड़क उठती है, तो वो विस्फोट भी कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाएगा अगर मैं इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करूंगा। किसी लाइव सेशन के अंदर ये डिस्कशन कर लेंगे अलग से, जो लाइव सेशन होगा, ठीक है। ये जूलॉजी की क्लास है। सो फ्रेंड, इसीलिए हम हनी बी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे टर्माइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, टर्माइट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स कॉमनली नोन एज द व्हाइट एंट। टर्माइट क्या होती है भाई, दीमक होती है ना। एंड वन ऑफ दोज फ्यू एनिमल स्पीसीज दैट सर्वाइव एक्सक्लूसिवली ऑन सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज से संबंधित, अब समझिए इस चीज को भाई, टर्माइट जो है वो आपकी बुक्स को खा जाती है ना, और जो लकड़ियां हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज अवेलेबल है ना। फ्रेंड्स, सर्वाइव एक्सक्लूसिवली ऑन सेल्यूलोज एंड कैरी सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग फ्लैजिलेट्स इनसाइड देयर इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके ऊपर सर्वाइव करती है एक्सक्लूसिवली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज चाहिए उसको। अब सेल्यूलोज अगर चाहिए, आपको कोई चीज चाहिए उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए, आपको पचाना भी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्टोरेज करना है अंदर, है ना, फिर फेसेस के थ्रू बाहर भी निकालना है, ठीक है, यानी कि एक्सक्रीट भी करना है, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, और ये सभी की सभी चीजें सभी ने ऑब्जर्व की होंगी लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। और अब ये सोच रहे होंगे कि क्या ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। डेफिनेटली रिलेवेंट है, और जो यूपीएससी का सिलेबस है अगर किसी ने चेक नहीं किया है वो चेक कर लीजिए, ओके। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए
नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो क्या है, टर्मेटोरियम। ठीक है, क्या है टर्मेटोरियम। फ्रेंड्स टर्मेटोरियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये जो टर्माइट्स हैं ये क्या करती हैं, अंडरग्राउंड नेस्ट बनाती हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे टर्मेटोरियम। ठीक है, इतना तो नहीं लिख सकते अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, दो तीन लाइन तो कम से कम लिखनी ही पड़ेंगे। सो फ्रेंड टर्मेटोरियम इन विच दे मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, उसके अलावा क्या कुछ और पॉइंट है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके अलावा इवन व्हेन आउटसाइड ग्राउंड टेम्परेचर राइजेस टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाएगा, चाहे अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ओके, अब ये कैसे मेंटेन होगा, इट्स मेंटेन बाय द बाय कंस्ट्रक्टिंग इंट्रिकेट ओवरग्राउंड नेचुरल एयर कंडीशनर। क्या बोला मैंने, इंट्रिकेट ओवरग्राउंड नेचुरल एयर कंडीशनर, ये भी एसी में रहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से सुन लीजिए, इंट्रिकेट ओवरग्राउंड नेचुरल एयर कंडीशनर, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्माइट हिल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्माइट हिल्स, ये इनका एसी है। ठीक है, किसका है भाई एसी, ये टर्माइट्स का एसी। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा टर्माइट हिल, ये आपको समझ में आ गया, ये जस्ट एन एयर कंडीशनर है। ओके, एंड फ्रेंड्स एज द विंड पासिस थ्रू द वेंटिलेशन गैलरीज ऑफ द टर्माइट हिल द टेम्परेचर ऑफ द नेस्ट ड्रॉप्स फास्ट। ओके, अब देखिए ये जो चीजें हैं वो आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कभी आपने सभी पानी तो पीते ही है ना, बहुत सारे लोग फ्रिज का पीते हैं या फिर मटके का पीते हैं। ठीक है, मटके में ऑब्जर्व कीजिए कि आपने पानी डाल दिया, उसके अंदर पोर्स अवेलेबल है, ठंडा कैसे होता है पानी, वही सेम जो प्रिंसिपल है उसी पे ये वर्क करेगा जो टर्माइट हिल्स है। ठीक है, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना साइंस के अंदर, मेनली जियोलॉजी के अंदर, उसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश किया कीजिएगा जो डेली लाइफ के अंदर आपके साथ जो चीजें हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए, और कोई चीजें मैटर नहीं करती। ये आपको यूपीएससी के अंदर नहीं लिखना है कि वो मतलब जो पॉट है या पिक्चर बोलते हैं मटके को अंग्रेजी लैंग्वेज में, वो आपको वहां पे नहीं लिखना है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए है, जो टर्माइट हिल है उस प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, सो फ्रेंड जो टर्माइट हिल का जो टेम्परेचर है वो फास्टली ड्रॉप हो जाएगा। ओके, एंड दे नेवर वेंचर आउट इन द ओपन एंड कंस्ट्रक्ट अर्थन पैसेज वे ऑन द ट्रीज वॉल्स एंड ऑन ग्राउंड एंड मूव्स इन द डार्कनेस ऑफ दीज टनल्स। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि भाई जो दीमक है वो लग जाती है और बिल्कुल उसके सहारे सहारे चलती रहती है। अब उसकी क्या मैकेनिज्म थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर इज नो वंडर देर आई आर रेडिमेंट्री एंड देर एंड दे कम्युनिकेट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द केमिकल लैंग्वेज। ठीक है, केमिकल लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बोली थी, क्या कभी सोचा है कि जो चींटी है वो एक के पीछे एक क्यों चलती है, मकोड़े हैं वो एक के पीछे एक क्यों चलते हैं, एक बार कभी बीच में लाइन ड्रॉ करके देखना उंगली से, अगर वो दीवार पर चल रही है तो उनका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीजें कभी कभी किया करो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, एक एक्सपीरियंस होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं साइंस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाता है।
क्या कारण है उसका, वो केमिकल सीक्रेट करती है। एंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, चींटियों के बारे में, ठीक है, वहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा उसके बारे में। ओके सो फ्रेंड, दिस पिकुलियर अंडरग्राउंड हैबिटेट एंड शाई नेचर हैज इवॉल्व इन दैम ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीडेटरी एनिमल लाइक जियंट एंटीटर्स, स्केली एंटीटर्स एंड स्पाइनी एंटीटर्स। ओके यहां तक क्लियर है ना फ्रेंड्स? यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, द पिक्यूलियर कहां से शुरू है ये, दिस पिक्यूलियर अंडरग्राउंड हैबिटेट एंड शाई नेचर हैज इवॉल्व इन दैम ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेडेटरी एनिमल व्हिच इज एक्सक्लूसिवली लाइव ऑन टर्माइट डाइट एंड आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैम। कौन कौन से हैं वो? जायंट एंटीटर, स्केली एंड स्पाइनी। ओके दिस क्लियर? अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये किस चीज के हैं? सोशल स्ट्रक्चर के, ठीक है। देखिए भाई, जो इंसान है वो पहले कंबाइन रहता था और अभी कुछ अलग अलग रहने लगा है ना? क्यों? क्योंकि उसको शांति चाहिए है ना? उससे बहुत सारे नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम इंसेक्ट्स पे ही रुकते हैं। ओके मेटामोर्फोसिस हमने डिस्कस कर लिया, सोशल बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोप्टेरा के यानी कि टर्माइट्स का, इसके बाद एंट्स का डिस्कस करेंगे। ओके सो फ्रेंड, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। वो किस प्रकार से रहता है, उठता है, बैठता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है, ठीक है। सोशल बिहेवियर का क्या मतलब है? सामाजिक, जो आपका बोल सकते हैं ना कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, है ना? बिहेवियर हिंदी में क्या बोलते हैं बिहेवियर को? आपका जो एक्सप्रेस करने की कोई भी तरीका जो है, एक्सप्रेस करने का बिहेवियर। ओके सो फ्रेंड, पहला पॉइंट क्या है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर? दे वर द फर्स्ट एनिमल विच स्टार्टेड लिविंग इन द कॉलोनीज एंड डेवलप्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिस्टम अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने भी कॉलोनीज के अंदर रहना इन्हीं से सीखा हो, है ना? देयर मे बी अ चांस, हो सकता है ऐसा। फ्रेंड्स, इट इज मच अर्लियर देन द हनी बी एंड आंट्स, ठीक है। जो चीटी है वो तो इनके बहुत साल बाद आई है, और हनी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं भाई, शुरुआत में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया इसके बारे में, और नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल का है, और मेडिकल बैकग्राउंड के ही जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो उन्होंने ही जूलॉजी ऑप्शनल सेलेक्ट किया होगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसके पास आर्ट हो, यानी कि वो बीए करके आ रहा है और उसके बाद बोल रहा है मैं जूलॉजी ऑप्शनल में आऊँगा। आ सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, और मोस्ट स्कोरिंग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर आप इसके डायग्राम बड़े अच्छे से बना लेते हैं तो, ठीक है। थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, डायग्राम डायग्राम से ही बात नहीं बनती है। ओके और डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, ओके इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड, क्या ऐसा चांसेस है कि ह्यूमन बींग्स ने यहां से ही कॉलोनी में रहना शुरू किया हो, यानी कि सीखा हो, है ना? हो सकता है, लेकिन अब अलग अलग इधर उधर भाग रहा है ना? ये जो समझ है वो कहां से आई, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा अगर मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। वो आप वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर के बारे में कभी फिर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो आइसोप्टेरा है इसका सोशल बिहेवियर और जो सोशल स्ट्रक्चर है किसका, टर्माइट्स का, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये जो सोशल सिस्टम है ये कब से हो सकता है? 300 मिलियन ईयर्स अगो। इट इज मच अर्लियर देन द हनी बी एंड एंट्स। ओके सो फ्रेंड, ऑल्दो टर्माइट्स डू नॉट एक्सीड 3 to 4 mm इन साइज, ओके एंड देयर क्वीन इज 4 inch लॉन्ग जायंट दैट लाइज इन द रॉयल चैम्बर मोशनलेस सिंस इट्स ले Since its legs are too small to move its enormous body, ठीक है। देखिए
वैसे तो जो टर्माइट्स का साइज होता है वो 3 से 4 mm होता है, सभी ने देखी भी होगी ना दीमक। लेकिन जो इनकी क्वीन है यानी कि रानी, ठीक है, जो इन पे कमांड करती है, बहुत बड़ी होती है। कितना? 4 इंच का साइज हमने बताया। वो कहाँ पे रहती है? रॉयल चैम्बर, मोशनलेस, मोशनलेस रॉयल चैम्बर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिंस इट्स लेग्स आर टू स्मॉल एंड टू मूव इट्स अनामरस बॉडी, ठीक है। इनके जो लेग्स हैं वो छोटे होते हैं, किसके? क्वीन की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकियों के तो छोटे होते ही हैं क्योंकि उनका साइज भी 3 से 4 mm ही है। यहाँ पे लेकिन साइज कितना है? 4 इंच, यानी कि आप बोल सकते हैं ना, घोस्ट बोल सकते हैं, भूत की तरह है ना। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है, फिनोमिना ऑफ अनामरस एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन इन टर्माइट क्वीन, दैट्स कॉल्ड एज, क्या किसी के पास आंसर है इसका? इसका आंसर आएगा पाइसोगैस्ट्री, ठीक है, लिख लीजिए, PHYSOGASTRY, पाइसोगैस्ट्री, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सोशल बिहेवियर किसका? आइसोप्टेरा का, यानी कि टर्माइट्स का। इसके बाद अगर डिटेल में जाते हैं, यानी कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड्स, टर्माइट्स के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, वर्कर्स होते हैं, क्वीन होती है, ठीक है। क्वीन क्या करती है? एग ले करती है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में डिस्कस कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। वर्कर्स हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल इट्स डेली चॉइसेस, और यू कैन से डेली के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स, टर्माइट क्वीन इज एन एग लेइंग मशीन दैट रिप्रोड्यूस द एग एट द रेट ऑफ 1 egg per second, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 20 साल की होती है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए इसको, 1 सेकंड में एक अंडा देती है, ठीक है, 24 घंटे में कितना देगी, और 20 साल की इसकी लाइफ साइकिल है, तो आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज हैं उनका एक डेटा अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेटली 60,000 eggs per day, ठीक है। अब जो हमने पहले डिस्कस की उसका आप चेक कर लीजिए कितने सेकंड होते हैं दिन के अंदर, उतने ही एग जो है वो ले करेंगे, ओके फ्रेंड्स। प्रोड्यूसिंग एग इज द ओनली मिशन इन द लाइफ ऑफ द टर्माइट क्वीन। देखिए, दुनिया में कोई भी आ रहा है उसका एक मोटिव होता है और होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या मोटिव है? कि आप यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं ना अभी फिलहाल के लिए, लेकिन हो सकता है भगवान ने कुछ और काम के लिए भेजा हो, है ना। तो भाई, यहाँ पे जो टर्माइट्स की जो क्वीन होती है उसका एक मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसको अंडे देने हैं, ठीक है, और 1 egg per second, ठीक है। और कुछ ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज जो है वो 60,000 eggs per day ले कर देती है, ठीक है। और जो मैंने 1 सेकेंड सॉरी 1 egg per second बताया उसको आप कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे, ठीक है। सो फ्रेंड, एक ही इसका मोटिव है कि इसको एग ले करना है। एंड अदर कास्ट जस्ट लाइक वर्कर्स एंड सोल्जर्स आर हाईली डिवोटेड टू द कॉलोनी एंड वर्किंग इंस्टेंटली, टायरलेसली, डिमांडिंग नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द सोसाइटी। देखिए, ये जो बेचारे हैं वर्कर्स और सोल्जर्स, ये बड़े बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, और इनको कोई मतलब है दुनिया, कोई मतलब नहीं है दुनिया से, यानी कि इनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। ये भला करने के लिए आए हैं और भला करके चले जाएंगे, ठीक है। इनको क्या मिलता है? इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा ही कुछ केस है, वो किसके अंदर है? कुछ आइडिया है? हनी बीज के अंदर है, ठीक है। तो चलिए, अब हनी बी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हनी बी के बारे में भाई एक तो यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है, इसलिए वो जरूरी नहीं है। उसके अलावा हम उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, जस्ट एक बोल सकते हैं जर्नल नॉलेज के लिए, है ना। जर्नल नॉलेज भी जरूरी है,
या फिर सिलेबस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके सो फ्रेंड, वो हम पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से, ठीक है, और सभी ने पढ़ा होगा, सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल के होंगे। ओके सो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं एंट्स के बारे में, यानी कि चींटी। ओके फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया लगभग 300 मिलियन साल पहले जो टर्माइट्स है उन्होंने एक कॉलोनीज के अंदर रहना शुरू किया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान ने भी वहाँ से ही कुछ कुछ सीखा, है ना? उसके अलावा अभी वो थोड़ा सा बिखर के रहने लगा, यानी कि थोड़ा सा समाज से थोड़ा अलग रहने लगा है, उसको शांति चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। ये जो कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर आप इसे कह सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सो फ्रेंड, एंट्स के बारे में हमने एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया था, आपके दिमाग में डाला था और दो तीन बार डाल चुका हूँ इसी लेसन के दौरान, कि भाई कभी सोचा है कि जो चींटियाँ हैं वो एक लाइन में क्यों चलती हैं? अगर मैं बीच में लाइन खींच दूँ तो वो लाइन क्यों टूट जाती है? कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा आपने, कभी इसका ट्राई भी नहीं किया होगा, कोशिश भी नहीं की होगी, लेकिन मैंने की है। ओके, मान लीजिए कि जो चींटियां हैं वो लाइन में चल रही हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं यहां से कुछ अपने हाथ से एक थोड़ा सा जिसे बोलते हैं रगड़ा, ठीक है, उसको मैं लगा देता हूं। क्या कारण है कि जो उसका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो जाता है और एक बोलते ना डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? उसका एक कारण है कि वो केमिकल सीक्रेट्स करती चली जा रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल लैंग्वेज। ओके सो वो केमिकल का सीक्रेशन है वो, आपने बीच में उसकी जो सीरीज बनी हुई थी उसको हटा दिया। अब जो पीछे वाली है उसको समझ में नहीं आया कि मेरे को जाना किधर है। ऐसा ही कुछ एक मूवी के अंदर है, द कोर। ओके, वहां पे क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो साइबेरियन क्रेन्स जो यहाँ पे आती हैं उनको हम भटका सकते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, ठीक है, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टर्माइट्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हो गया, एंट्स के बारे में शुरुआत से डिस्कशन करता आ रहा हूँ, और जो मकोड़े होते हैं उसके बारे में कभी सोचा है कि वो नॉर्मली स्पीड पे चल रहे हैं और आप जस्ट उसको टच कीजिए उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होने लगती है। क्या कारण है उसका, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके सो फ्रेंड्स, एंट्स आर द कजिन ऑफ हनीबी, ठीक है, चचेरी बहन। क्या ये जो शब्द है वो सही यूज किया गया है यहाँ पे? डेफिनेटली सही यूज किया गया है। ओके, एंट्स आर द कजिन ऑफ हनीबी एज दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर ऑफ हेमनोप्टेरा। ओके, बट व्हाइल द हनीबी आर डाइयूरनल एंड स्लीप इन द नाइट, एंट्स आर बिजी वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, बड़े मेहनती होते हैं जो चींटियां होती है, बड़ी मेहनती होती हैं। कभी भी देखिएगा आप कि जो बड़े से बड़ा कोई भी बोल सकते हैं ना इंसेक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कॉकरोच मर गया वो उसको भी उठा के ले जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो अनाज है यानी कि जो गेहूं है बाजरा है उसको भी उठा उठा के ले जाती है, उसके पीछे भी कुछ मैकेनिज्म है और वो उठा के लेके जा रही है, इसका भी कुछ बेनिफिट है, ठीक है, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे एक जो एक्स्ट्रा लाइव सेशन होगा उसके अंदर। ओके सो फ्रेंड, क्या किसी ने विंग्स देखी है एंट्स के? हमने मेटामॉर्फोसिस के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था, होमो होलो और एक और एमेटा। ओके, वहां पे डिस्कस किया था कि कोई विंग्स नहीं होती है। ओके, एंट्स हैव नो विंग्स एक्सेप्ट इन विंग्ड सेक्सुअल फॉर्म दैट आर प्रोड्यूस इन द ब्रीडिंग सीजन। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट स्पीसीज हो जाएगी, नहीं, इनके ही लाइफ साइकिल के अंदर होता है। ओके सो फ्रेंड, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंट्स हैव द हाईएस्ट डेवलप्ड सोशल सिस्टम।
ठीक है, ऐसा तो हम टर्माइट्स के बारे में भी बोल रहे थे, है ना। टर्माइट्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या था कि उन्होंने 300 मिलियन ईयर पहले कॉलोनीज के अंदर रहना शुरू कर दिया था, और शायद जो ह्यूमन बीइंग है उसने भी वहीं से कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, एंट्स हैव द हाईएस्ट डेवलप्ड सोशल सिस्टम नेक्स्ट ओनली टू मैन व्हाइल नो अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट सीन इन द सोसाइटी। कभी चींटी को लड़ते हुए देखा है? नहीं, ह्यूमन बीइंग तो फिर भी लड़ लेता है ना। सो फ्रेंड, ए कॉलोनी मे हैव द फ्यू थाउजेंड्स टू ओवर 5 लाख इंडिविजुअल्स, है ना, कितना बड़ा परिवार है। सो जस्ट एक कॉलोनी है, और कैसे उस चीज को मैनेज करते हुए चलते हैं। सो अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म बताने लगेंगे तो 10-15 मिनट चली जाएगी, जो कि यूपीएससी नहीं पूछेगा। ओके, सो फ्रेंड, द नेस्ट आर बिल्ड इन वेरियस डिजाइन्स एंड आर कॉल्ड द फॉर्मिकेरिया। ठीक है, इनके जो घोंसले होते हैं ना उसको फॉर्मिकेरिया बोलते हैं। और जो टर्माइट्स है वो नेस्ट क्यों बनाती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मैनेज करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैनेज करनी है। उसे आप बोल सकते हैं कि वो उनका एसी है, वो भी एयर कंडीशनर्स में रहती है। ओके, सो उसका नाम क्या था, टर्माइट हिल्स। ओके, यहाँ पे क्या है, फॉर्मिकेरिया। ओके फ्रेंड्स, लाइक हनी बी दे हैव द पॉलीस्थिज्म विच मीन्स कास्ट आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेशलाइज ड्यूटी इन द कॉलोनी। देखिए, यहाँ पे जो भी आया है उसका जो वर्क है, उसका जो उद्देश्य है, वो पहले से ही डिसाइडेड है। आप आए हैं, आपका भी उद्देश्य डिसाइड है। वो मैटर करता है कि आप किस कंडीशन में चल रहे हैं उस पे, और वो वक्त के साथ चेंज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता है। टर्माइट्स के अंदर क्या था कि जो उसकी क्वीन थी, उसका सिर्फ एक ही काम था कि उसको एग ले करना है, और कितना, 1 egg per second। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज जो थी वो लगभग एक दिन में 60,000 जो एग्स हैं वो ले कर देती थी, लेकिन 1 egg per second और 24 आवर्स एक दिन के अंदर होते हैं, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए उसको कि कितने एग जो हैं वो ले करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मोटिव क्या है कि भाई जो वर्कर है, किसमें, टर्माइट्स के अंदर, और जो सोल्जर्स हैं उनका एक ही काम था कि वो पूरी एफिशिएंसी के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ से एक औचित्य निकल के आता है, एक तात्पर्य है उनका कि भाई वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिटर्न में उनको कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो ऐसा कुछ एंट्स के अंदर भी है। एंट्स को आप ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं हनी बीज के साथ। ठीक है, ड्रोन्स होता है, वर्कर्स होता है, और क्वीन होती है। सो उनको, उनके भी जो काम है, वर्क मतलब जो उनकी ड्यूटीज है, वो डिवाइडेड है। ओके, सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एंट्स हैव अ पुअर आई साइट, है ना, नहीं सोचा होगा इसके बारे में, एंड आर डीप, बहरी भी होती है, बट हैव ए हाईली सोफिस्टिकेटेड केमिकल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। ये वही चीज आ गई कि अगर मैं बीच में थोड़ा रगड़ा लगा दूं, यानी कि जो पाथ है उसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, तो वो सारे के सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, और ये जो इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल लैंग्वेज, ये इनकी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। ओके, एंड दे पजेसिस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट फिरोमोन्स और मैसेंजर्स ऑफ केमिकल लैंग्वेज दैट इज परसीव्ड बाय वन ऑफ एंटीना और फीलर्स लोकेटेड ऑन द हेड। ओके, एंड दे ट्रीट फूड ग्रैंडुलर सिक्रेशन एंजाइम्स व्हिच इज कॉल्ड द ट्रोफोलेक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स, इसकी जो क्वीन है उसका जो एब्डोमिन है वो लार्ज होता है, क्यों, टू ए टू ले ए लॉट ऑफ एग्स, कितना, इट इज अबाउट
2 to 3 million पर ईयर, ठीक है। एब्डोमिन लार्ज होता है उसका एक ये कारण है। और जो मेल फर्टिलाइज है उसको आप क्या बोलेंगे, वर्कर, है ना। ऐसा ही कुछ किसके अंदर होता है, हनी बीज के अंदर। जो ड्रोन्स होते हैं वो फर्टाइल मेल हैं, ठीक है। वर्कर होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो नेक्टर उठा उठा के लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें। मतलब एक हो गई रानी, दूसरा मंत्री, और तीसरा उसका जो नौकर बोल सकते हैं ना, जो बिल्कुल निचले लेवल पे होता है, उसको सिर्फ कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करता है पूरी एफिशिएंसी के साथ। ओके फ्रेंड्स, मेल फर्टिलाइज वर्कर हैव ए ब्रॉड शार्प मैंडिबल फॉर कटिंग एंड च्यूइंग। ओके, अगर कोई छेड़खानी करता है तो बाइट कौन करेगा? यहां पे तो वर्कर करेगा, लेकिन हनीबीज के अंदर ड्रोन करता है, ठीक है, मंत्री। फ्रेंड्स, अब बात आती है इसके अंदर सोल्जर की। वर्कर डिस्कस हो गया, क्वीन डिस्कस हो गई, एंड सोल्जर हैव ए लार्ज हेड दैट बियर शार्प डैगर लाइक मैंडिबल फॉर फाइटिंग। एक चीज मैंने शुरुआत में बोली थी कि जो चींटियां हैं, क्या कभी लड़ते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो शांत व्यक्ति है उसको ज्यादा छेड़ा जाए तो फिर धमाका हो सकता है। ओके सो ऐसा ही कुछ कंडीशन इसके अंदर है। और एक चीज सोच के रखिएगा कि जो एनिमल्स हैं उनको अगर हम ह्यूमन बीइंग्स से कोरिलेट करके चलें, और डेली लाइफ के अंदर जो भी हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनके साथ कोरिलेट करके चलेंगे, तो जूलॉजी ऑप्शनल वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। लेकिन हाँ, डायग्राम का ध्यान रखना होगा, और डायग्राम पेंसिल से ही ड्रॉ करना होगा। किसी ने मेरे पास पेन से ड्रॉ करके भेज दिया था और बोल रहे थे कि क्या ये डायग्राम सही है। डायग्राम बड़ा अच्छा था, लेकिन बस कमी यही थी कि जो उसकी लेबलिंग है उस पर ध्यान दीजिए और पेंसिल से ही ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।